भाभी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी मुबारक हो, माशाल्लाह नाना बनने वाले हो। अरे आप भी तो दादी बनने वाली हैं। काश उस रात मैं तेरी बीवी को ऐसे नहीं जाने देता, उसे अपने पास रखता। मीरब क्या तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा? मीरब की हुई तबीयत खराब गोलगप्पे खाने से, लेकिन उसकी सास तो समझती है कि खुशखबरी है और वो जाके अनवर को मुबारकबाद देती है। सब घर वाले खुश हो जाते हैं, मगर मीरब जानती है कि ये सच नहीं है। दूसरी तरफ मुर्तसम के खेतों में अपने ही बंदे मार के मलिक फेंक देता है और जिरगा भी बुला लेता है, और जिरगे में उसकी बीवी की बेइज्जती करता है, जिस पे मुर्तसम गुस्से में आके उसके ऊपर पिस्तौल तान लेता है। इसी दौरान जो है वो बंदे बीच में आ जाते हैं और उनका बच बचाव हो जाता है, लेकिन मीरब को मिलने आता है रोहिल और वहाँ पर वो उसको प्रपोज करता है और कहता है कि तुम ऐसे बंदे से कैसे शादी कर सकती हो जो मेरे सामने तुम्हें खींचता हुआ ले गया। और यहीं पर वो उसको प्रपोज कर देता है और अंगूठी दिखाता है, जो कि अनवर देख लेता है। और अनवर जो है अब वो अपनी बेटी को ये कहेगा कि तुम माँ बनने वाली हो और इतनी बड़ा धोखा और फ्रॉड कर रही हो तुम अपने शौहर के साथ। इस पे मुर्तसम वहाँ पर आ जाएगा और वो रोहिल का एक दफ़ा फिर गला दबा देगा। मज़ीद जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।